नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आजकल इसके उकाल हमें गाजीपुर जिले के अनौनी से आया है और बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर आ चुके हैं। यहाँ पर इनका ट्यूबवेल है, उसमें कोई सांप दिखा गया और इन लोगों का ऐसा दावा है कि आज के पहले इन्होंने इतना बड़ा और मोटा सांप कभी नहीं देखा। आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही गांव में ये खबर फैली कि कोई सांप देखा गया, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई सांप को देखने के लिए और उसके रेस्क्यू को देखने के लिए। तो ऐसे में हम लोग बिना वक्त गवाए सांप को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। मेरे इसका मुंह है, आगे जा रहा है, आगे जाने की ट्राई कर रहा है, यहीं से पकड़ेंगे, पकड़ में आ जाएगा। घबराएगा नहीं बिल्कुल भी आप, ठीक है? जैसे भी जाएगा वहां पे लोग उसको ले लेंगे अपने हाथ में। पकड़ी का तुरंत वापस जा रहा है। बाहर गया, बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका लोकेशन देखो तो। जय गुरुदेव लेना, ये बगल पूरा नहीं, पूरा आएगा। अरे मरे मरे मरे, इच्छा था लटका, इधर इधर लटका, लेकिन ऊपर जा सकता है, ऊपर भागेगा बहुत तेजी से, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है वो, अभी लटका है फिराक में ऊपर ही जाने के। वापस गया, ऊपर चढ़ रहा है ऊपर। अब भाई साहब ध्यान दे, ओ भाई साहब। यहाँ पर काफी ज्यादा कंजेस्टेड जगह होने के कारण ये रेस्क्यू काफी ज्यादा क्रिटिकल होते जा रहा था। ऐसे में सांप को चोट लगने का पूरा पूरा चांस बन रहा था, इसलिए हम लोगों ने एक बड़े पाइप का इस्तेमाल करके इसको रेस्क्यू किया। आप लोगों ने देखा ये किस तरह से बड़े आसानी से इस पाइप के अंदर आ गया। अभी हम लोग बाहर ले आकर के इसको पाइप से बाहर निकाल लेंगे। इधर इधर खाली में जी। यहाँ पर जगह बहुत ज्यादा कम होने के कारण आपको रेस्क्यू का वीडियो बहुत अच्छे ढंग से नहीं दिखाया जा सका, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। क्योंकि हमारी टीम में भी आज सिर्फ दो ही लोग थे, ऐसे में रेस्क्यू होना और सांप को सुरक्षित ढंग से बचाया जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने वीडियो पर ज़्यादा फोकस नहीं करके सांप को बचाने पर ज़्यादा फोकस रखा, जिसके फलस्वरूप वीडियो उतना बेहतर नहीं बन पाया। खैर, हमारा प्रयास रहेगा आगे से हम लोग अच्छे रेस्क्यू के साथ साथ आपको अच्छे वीडियोज़ भी दिखाएँ। फिलहाल हम लोग इसको पाइप से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं।
ऊपर ऊपर लीजिए, इसको ऊपर ले लीजिए, डाला डाला लोन छोड़ो पीछे, आप आ गए जी इसके पास में जी, आप बीच पकड़े पिपिया भाई साहब, आखिरी कुछ दिखाई दे रहे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सांप लगभग लगभग इस पाइप से पूरा बाहर निकल चुका है। जब हम लोग आए तो हमारे पास कोई इस तरह का इक्विपमेंट भी नहीं था, क्योंकि ये सांप काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो इसलिए इसके लिए मोटे पाइप की भी आवश्यकता पड़ेगी, और हमें ये पाइप यहीं पर मिली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी काम को अच्छे नीयत से करते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है, ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, और तरीके खुद ब खुद निकल करके चले आते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी बेजुबान को मारने से पहले उन्हें बचाने का तरीका सोचना चाहिए, जितना ज़्यादा संभव हो सके हमें बेजुबान जीवों की मदद करनी चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग उसको बैग में पैक करेंगे और यहाँ से दूर ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज़ करेंगे, जहाँ पर अपनी बाकी की ज़िंदगी से ढंग से जी पाएगा। ये सांप थोड़ा परेशान और गुस्से में है, ऐसे में हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा वक्त ले इस बैग में पैक होने के लिए, लेकिन हम लोग फिर भी इसके साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम लोग इसको पूरा वक्त देंगे ताकि ये खुद ब खुद इस बैग के अंदर जाए और हम लोग इसको पैक करके यहाँ से दूर ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज़ करें। एक और बात, जिस तरह से हम लोग सांपों को ट्रीट करते हैं कई बार देखने में काफ़ी आसान लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहाँ पर हर एक स्टेप में खतरा बना रहता है। ऐसे में बिना प्रशिक्षण बिना जानकारी के आप लोग सांपों को इस तरह से पकड़ने या फिर उन्हें छूने का प्रयास बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जंगल वाला एरिया इधर से शुरू हो जाता है, ऐसे में ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है और जो सांप है वो अपने अनुकूलित स्थान पर जा रहा है। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।